समर्पित है उन पुलिस कर्मियों को जो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकवाद का सामना करते हुए शहीद हुए। उनकी शहादत ने एक बड़े हादसे को तो टाला, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया। किसी को तो करनी होगी शुरुआत, किसी को तो। इन्फॉर्मेशन सही है सर। सर होटल सेंटू रूम नंबर 5029 सर। सर इस आदमी के पकड़े जाने से स्टेट में घुसे सारे टेररिस्ट और उनके प्लान्स के बारे में हमें पता चल जाएगा सर। सर हम लोग उस होटल को चारों तरफ से घेर कर एक साथ अटैक कर देंगे। नहीं नहीं कोई अटैक नहीं करना, कोई हमला नहीं करना। होटल के एक तरफ थिएटर है, एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल है और पीछे अस्पताल है, इसलिए हम सबको सिविलियन ड्रेस में जाना होगा। जनार्दन और पाटिल तुम दोनों एंट्रेंस के बाहर रहोगे, तुम लोग रिसेप्शन से मास्टर की लेकर बेडरूम में जाओगे, लेकिन याद रहे जहां तक हो सके गोली मत चलाना। यस सर। हेलो, एक प्लेट मटन रोगन जोश, दो प्लेट अफगानी टंगड़ी कबाब, एक 3 लेयर चिकन बिरयानी और प्याज का रायता। रोटी या नान सर? सिर्फ 2 काबुली नान और प्याज का रायता मत भूलना। एक अंत हाथ हटा। अब चलो। अरे हमको अरेस्ट करके तुमको क्या मिलेगा भाई, बस तुम्हारे कंधे के 1-2 सितारे और बढ़ जाएंगे बस, लेकिन उससे तुम्हारी बीवी के गले के जेवर तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। हम जानता है कि तुम्हारी सरकार तुमको बहुत कम तनख्वाह देती है ना, और हम तुमको इतनी दौलत देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 1 करोड़ साला हमको रिश्वत देता है। रिश्वत नहीं भाई लोग, बस अपनी रिहाई की कीमत देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी कीमत लगाओ? 3 करोड़, 4 करोड़, 6। शट अप। बस आखिरी बात बोलता है, 10 करोड़। तुमने हमें समझ कर रखा है। फर्ज के लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। I'm sorry, sir. मैं भोसले को बचा नहीं सका सर।
सर वो अकेला नहीं था सर, उसके साथ में बहुत सारे लोग थे सर। पता नहीं उन्होंने कहां से फायर कर दिया सर, भाग गए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन है तुम? अफगानी तंगड़ी कबाब, मटन रोगन जोश, 3 लेयर चिकन बिरयानी, काबली नान, प्याज का रायता और 10 करोड़। अंदर आओ। तो उस डील के बारे में तुम जानते हो? यस सर। सर वो क्या है कि आप लोगों के कमरे में घुसने से पहले वो टेररिस्ट फोन पर मुझे ही खाने का ऑर्डर दे रहा था। सर वो क्या है कि मैं खुद का एक होटल खोलना चाहता हूँ, बस 1 करोड़ दे दीजिए। 9 करोड़ आपका, 1 करोड़ मेरा। सर वन एंड ओनली वन विटनेस हूँ, इतना तो मिलना ही चाहिए ना सर। हाँ, इसके अलावा मेरे होटल में आपके लिए एक कमरा हमेशा बुक रहेगा। तो सर सूटकेस लेकर कब आऊं? आओगे तो तब, जब यहां से जाओगे। इकलौते गवाह हो और सौदा करने अकेले चले आए। गद्दार। सर कुछ भी हो, ये डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज का सवाल है। इस बात को पब्लिक में ले जाना ठीक नहीं है सर। पवार ने जो कुछ किया है उसके लिए उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट की इमेज को खतरे में डालना ठीक नहीं है सर। बोलिए आप लोग। प्राइड, इमेज, मैं जानता था आप लोग ये बातें करेंगे। ये वर्दी क्या है, क्या है ये वर्दी, जानते हैं आप लोग? आम जनता की ढाल है ये, उनकी हर मुसीबत हर परेशानी इस ढाल से टकराकर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग डरते हैं इस वर्दी से। शरीफ लोग पुलिस वालों को देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, और ये सब पवार जैसे लोगों की वजह से है। कानून अगर मुझे इजाजत देता तो ऐसे पुलिस वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देता, लेकिन कानून के दायरे से ना तो मैं बाहर जा सकता हूं और ना ही किसी और को बाहर जाने की इजाजत दे सकता हूं। Nobody is above the law। हर पुलिस वाले को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्दी पहनने का मतलब होता है जिम्मेदारी पहनना, और उसे कानून की मर्यादा का पता होना चाहिए। वर्दी पहनकर छोटी से छोटी गलती कभी माफ नहीं किया जा सकता। That's all। अरे वाह भाई वाह, हर शहर में ऐसा नेक कमिश्नर हो तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। मैडम आइए, आइए मैडम, नमस्ते। मैंने अभी साहब को टीवी पर देखा, क्या बात कही उन्होंने। आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी या ठंडा? नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच, बस थोड़ी शॉपिंग करनी है। कीजिए कीजिए, आप ही का शो है। गेम छे, मजामा छे, मजामा छे ना। हाँ, कम ऑन बॉयज, उठा लो जो चाहिए उठा लो। माँ ये वाला। हाँ। ए शिवा वो देख क्या आइटम है, क्या फटाका है बाप, किस करूँ क्या? उसकी तरफ देखना भी मत शिवा भाई, पुलिस कमिश्नर की बेटी है। वो पुलिस कमिश्नर की बेटी है तो अपन भी तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। कोई भी पुलिस वाला अपने कॉलेज में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एक इशारे पे स्टूडेंट पूरी सिटी में आग लगा देंगे। आग। तैयार बेटो। माँ, अनु, माँ, अनु, माँ, क्या हुआ? किसी ने? अरे बोल ना, किस किया तेरे को? क्या हुआ? अनु, अनु कंट्रोल सेल्फ। अनु, अनु छोड़ दे। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी ये सब कॉलेज स्टूडेंट है, रोज यहाँ आकर हंगामा करते हैं, मैं देखता हूँ उनको। बहुत बदतमीज लोग हैं, सबक सिखाना चाहिए इनको। अभी उनको फोन करती हूँ, 1 मिनट में होश ठिकाने आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ, पापा को फोन करने से भी कुछ नहीं होगा, कानून समझाने लग जाएंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन्हें कौन ठीक कर सकता है। नाम अभय प्रताप,
खासियत, गलत लोगों को छूते ही ये हाथ। हथियार बन जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अभय प्रताप सिंह, तूने क्या सोचा? तू इस कॉलेज को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल करता रहेगा और पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी? तू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने तुझे यहां सबके सामने मारा। अगर यही हरकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने की होती तो मैं उसके ऑफिस में घुसकर उसे मारता। अगर एमएलए ने की होती तो मैं उसके इलाके में घुसकर उसे मारता। अगर एमपी ने की होती तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि मेरा उसूल है नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। एक का दाहिना हाथ बेकार हो गया और एक का बाया, चार तो हॉस्टल में पहुंच गए। उस इडियट की वो पिटाई की है भैया ने कि बस। अबे चल आगे चल। आज बरखुरदार साथ नहीं दौड़ेंगे, गलती जो करके आए हैं। पापा मैंने कोई गलती नहीं की। बस बस क्यों? बस, बस, बस। कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को मारना गलत नहीं होती क्या? हम लोग तो थक गए पापा, वो स्टूडेंट्स हैं। ओके बाय। गुंडे हैं। लेकिन तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, आम आदमी की तरह तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले एफआईआर दर्ज करते, उसके बाद उनसे पूछताछ करते, फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज करते। फिर मामला कोर्ट में जाता, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता और वो पुलिस वालों पर हंसकर घर चले। अरे ऐसे कैसे चले जाते? अदालतें किस लिए बनी है? अरे जसर, हाय, हाउ आर यू कमिश्नर? हाउ आर यू सर? अच्छा एक बात बताइए, क्या कोर्ट हर क्रिमिनल को सजा नहीं देती? Only 1% of criminals always get the punishment. No, percentage गलत है. At least 10% को सजा मिलती है. 1%. 10%. 1%. 10%. 1%. 10%. 1%. 10%. Excuse me. Please don't interfere. She is my personal wife. हाँ. तुम गलत हो. तुम हमेशा गलत होती हो. क्या बोला? मैं हमेशा गलत हूँ? That's right. तो divorce दे दो. चलो. My pleasure. चलो. पापा पारो. अभी पेपर साइन कर दिए. अरे क्या यार, 200 रुपए के पीछे तुम सबको भगा रहे हो यार। मैं तो 2 रुपए के लिए भी 200 मील दौड़ जाऊं। अरे हवलदार साहब, मेरा पर्स ले के भाग गए। मेरी पॉकेट में। अरे चलो। अरे भाई लोग पकड़ इस लड़की को। भाग नहीं ना पाए। छोड़ो मुझे। अरे ये लड़की है, इसने मेरा पर्स चुराया। ये लड़की, एक कमजोरी लाल, तू यही ठहर, मैं इनसे जरा पूछताछ करके आता हूँ। अच्छा करना ये। सुनिए जी, आपने उसका पर्स मारा? अरे हाँ। कितने पैसे उसमें? अरे सिर्फ 200। 200? 50 आपके, 50 आपके, 100 मेरे। तुम्हारे 100? चोरी मैंने की है ना? ठीक है, चलो। चलेगा। तो मैं जाऊँ? ठीक है। ओके, बाय। हटिए 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 आप, हटिए आप लोग, हटिए यहाँ से, हटिए। क्या हंगामा लगा रखा है? हटिए हटिए हटिए, क्या हुआ बहन जी? किसी ने मेरा हार चुरा लिया है, आप इन सब की तलाशी लीजिए। तलाशी?
इनकी? ये कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा हार कैसे मिलेगा? मैं बताऊं? बता, तुझे मालूम था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बता। लड़की, तूने हार चुराया? नहीं। मैं तुम्हारी तलाशी लूं? आप मुझे छोगे भी नहीं क्योंकि मैं औरत हूँ और आप मर्द है ना? खैर, आप जो कुछ भी हो आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। आप सिर्फ मुझसे पूछताछ करोगे और वो भी यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में। मुझे पहले ही पता था तुम्हारे जैसे मासूम और भोली लड़की चोरी कर ही नहीं सकती। हार मैंने ही चुराया है। क्या इंस्पेक्टर घोर पड़े के इलाके में चोरी? इतनी बड़ी गलती? मैं बहुत सख्त और बहुत कड़क इंसान हूँ। दिख रहा है। बोलो क्या लोगे? क्या मतलब? आधा हार या कैश? तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? क्यों, आप रिश्वत नहीं लेते? नहीं नहीं, वैसे तुम्हारी जैसी समझदार और खूबसूरत लड़की। सुनो, कब तक ये छोटे मोटे हाथ मारती रहोगी? मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा ज्यादा माल कहाँ मिलेगा। ये रहा मेरा कार्ड। ओके, बाय बाय। सर पूछिए मत, मैं जगमोहन मेहता इस होटल का मैनेजर हूँ। पूछिए मत सर, हमने उसे पकड़ रखा है। उसने हमारे कैश काउंटर से 50,000 रुपए इतनी सफाई से साफ किए कि पूछिए मत। आप उसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये काम उसने किया है। पूछिए मत सर, उसके चेहरे पे भोलापन, आंखों में मासूमियत। पूछिए मत। हाँ हाँ बाबा बाबा, नहीं 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 नहीं, इस बार आप उससे पूछिए। चलिए सर, चलो हटिए हटिए, सब बाजू हटिए, सब बाजू हटिए, बाजू हटिए। सर देखिए, यही है वो चोर। एसीपी अभय प्रताप सिंह। मैं राम प्यारी। इतनी खूबसूरत लड़की किसी का दिल तो चुरा सकती है लेकिन पैसे नहीं। पूछिए मत सर, कहाँ खो गए? कहीं ब्यूटी को देख के ड्यूटी तो नहीं भूल गए ना? नहीं नहीं, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, वहां इसकी अच्छी तरह से पूछताछ करूंगा, क्योंकि जो ये देख रही है वो है नहीं और जो है वो देख नहीं रही। चलो राम प्यारी। हाँ हाँ, जब मैंने चोरी नहीं की है तो आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, रेलवे स्टेशन, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सर एक्चुअली बात क्या है ना, पैसे मैंने ही चुराए हैं। इसने चोरी नहीं की, ये ऐसे क्यों बोल रही है? लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। वैसे आप कितने में पटोगे? 10% कम है 20%। 20 भी कम, सब 50%। 25,000 आपके, 25,000 मेरे। आप भी क्या याद रखोगे कितनी दिलदार चोरी से पाला पड़ा था? 50% भी नहीं मान रहा। सर 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 सर, एक्चुअली मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गई, आप तो ACP है ना, बड़ी पोस्ट, बड़ा हिस्सा, 99% आपका, 1% मेरा। आखिर चोरी मैंने की है ना, 50,000 का 99% कितना होगा? अरे सर सर सर, सुनिए तो, मैं अभी कैलकुलेट करके आपका हिसाब देती हूँ। सर बैठो। सर आप सचमुच मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओगे? I said sit inside. तो सब पैसे आपके, 99% नहीं, 100%। सर आप एक लड़की को पुलिस स्टेशन, वो भी मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, लॉकअप में बंद करोगे, तो मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा? सर सब कुछ तो सोचिए, आखिर आपको चाहिए क्या? 100% तो दे रही हूँ। अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा, 100% पर भी माने को तैयार नहीं, आखिर चाहता क्या है? ओ, तो ये बात है, तो ये बात है, अब मैं समझी कि आप 100% पर भी क्यों नहीं मान रहे हो। आपकी नियत में ही खोट है, आप एक अकेली खूबसूरत लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हो। क्या? हाँ बात बिल्कुल यही है, आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मैं शोर मचाऊंगी, बचाओ बचाओ, ये ऑफिस से मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। बचाओ, बैठो। हाँ चाहता हूँ, ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझी? इसलिए चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैंने कहा
का जाओ। यस यू कैन गो, कम ऑन, गो गो। लड़की में बात तो है, बात तो है उसमें। I've got him. Thank you. आप लोगों की मदद से मेरा काम तो हो गया। मतलब तुम्हें ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर मिल गया? हाँ, क्या बात है। ईमानदार है, ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, और कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह का इकलौता बेटा है। क्या उसका फादर कमिश्नर है? यस, yes, ऐसा कमिश्नर जिसकी ईमानदारी के लोग एग्जाम्पल दिया करते हैं। फिर तो मैं डॉक्टर बन गई। एक पुलिस वाले से मिलकर तुम डॉक्टर कैसे बनोगी? अरे मेरा अंकल, मैं PhD कर रही हूँ ना, और मेरा सब्जेक्ट है मुंबई पुलिस एंड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। अच्छा, और जाहिर है कि मेरी थीसिस कमाल की बनेगी। वैसे उसके घर में और कौन कौन है? माँ और एक बहन, हमारी ही एज की। ग्रेट, अब सिर्फ मुझे अपने आप को उसके घर में फिट करना है। पूछिए मत, लेकिन कैसे? ऐसे। लेले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सर, आज तक इस लेले ने आपसे कुछ नहीं लिया, अब ये लेले आपसे कुछ लेना चाहता। पैसे नहीं चाहिए सर, पैसे नहीं चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट का मोटो है ना कि बुरों को सजा दिलानी चाहिए और अच्छों की रक्षा करनी चाहिए। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए सर। किसकी किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जो बहुत सुंदर है लेकिन गरीब है, वो जो जवान है लेकिन बदनसीब है। लेले, अभी बुलाता हूँ सर, अभी लेकर आता हूँ। आओ, मुंबई की सबसे दुखी लड़की। तुम? हाँ सर, मैं। उस दिन जो आपने देखा और सुना था ना, वो बिल्कुल झूठ था। आज जो आप देख रहे हो और सुन रहे हैं ना, वो बिल्कुल सत्य है। तो मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, दिख रहा है ना? चार दिन से भूखी हूँ, लग रहा है ना? Come to the point. क्या चाहती है तुम? ये धंधा करना चाहती है सर। मेरा मतलब एक काम धंधा करना चाहती है, नौकरी की तलाश में आई है। हाँ सर, अगर आप मुझे नौकरी दे देंगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी सर। अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। चलो चलो, इससे पहले कि वो अपना है, चलो चलो जाओ जाओ। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया ना, बहुत गरीब हो ना? क्यों ले ले? हाँ हाँ सर, ऑर्डर कीजिए ना, कम ऑन। नहीं सर, वो अगर सिर्फ काम मिल जाए तो बस। काम वाम तो मिल ही जाएगा। हाँ। पहले पेट भर के खा तो लो, ओके? वेटर। यस सर। हाँ तो क्या लेंगी आप? ये सर। आप लोग? तुम इन्हें पहचानती हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ, मैं बिल्कुल नहीं। वैसे पहले ये पुलिस में थे, लेकिन तुम जैसी लड़की, तुम नहीं, तुम्हारे जैसी एक लड़की ने रिश्वत दी, नतीजा पानी लाओ। यस सर। अरे प्राइस मत देखिए, खाना ऑर्डर कीजिए, आज बिल मेरे ऊपर है। ये। तुम इन्हें भी पहचानती हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ, बिल्कुल नहीं। वैसे इन बेचारे की कहानी भी सेम है। पहले ये भी इंस्पेक्टर घोर पड़े हुआ करते थे, लेकिन तुम जैसी, तुम मेरा मतलब तुम नहीं, तुम्हारी जैसी एक लड़की ने इन्हें भी रुपए दिखाए और बेचारे गिर पड़े। क्यों मिस्टर घोर पड़े? तो चिकन सूप लाओ। यस सर। सर मैं अरे आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, पानी पी लीजिए। अरे क्या हुआ? ओ पूछिए मत, इन्हें तो आप 100% पहचानती होंगी। कल तक एक 5-स्टार होटल के मैनेजर थे, लेकिन तुम जैसी लड़की के कहने पर इन्होंने मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर को गलत जानकारी दी और उसका वक्त जाया किया, और नतीजा सर पूछिए मत।
रख दीजिए। यस सर। कल से यहाँ पर आप एक नया वेटर देखने वाली हैं। क्यों ले ले? मैं सर, I'm sorry sir. Out. I'm sorry sir. I said get out. हाँ तो राम प्यारे जी, मैंने बात कर ली है, तुम्हें भी इसी रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा, कप प्लेट धोने का, झाड़ू पोछा मारने का। एक्सक्यूज मी, मैं आपको स्वीपर लगती हूँ? देखिए मैं कोई गरीब वरीब नहीं और ना ही मेरा नाम राम प्यारी है। आई एम संजना रॉय, डॉटर ऑफ डॉक्टर रमेश रॉय, अमेरिका से आई हो, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर पर एक थीसिस लिखना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तलाश है, करेक्ट? हाँ, और मेरी तलाश अब खत्म हो गई क्योंकि वो ऑफिसर मुझे मिल गया। मैंने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन तुम्हारी थीसिस के लिए मेरे पापा ठीक हैं, कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह। That's amazing. क्या आप मुझे उनसे मिलवाओगे? Yeah, sure, why not? लेकिन पहले पेट तो भर लो। प्लीज अभय जी, उन सबको माफ कर दीजिए ना, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे तो किया है। प्लीज अभय जी, माफ कर सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर, मुझे सिर्फ अभय का। अभय,
संजना ये तुम्हारी माँ है। अरे रे, क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है, गाजर का हलवा बहुत अच्छा पकाती है, पति और बेटे के बीच में ब्रिज का काम करती है और अपनी छोटी बेटी को कुछ रोज नया नया सिखाती है। और ये है तुम्हारी बहन अनु, ये तुमसे 5 साल छोटी है। और जैसे कि हर भाई बहन में होता है, तुम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और झगड़ा भी। अब है, तूने तो सब कुछ बता दिया हमारे बारे में से। नहीं माँ, वो क्या है कि... और हमारे बारे में, हमारे बारे में क्या क्या बताया है? नमस्ते। नमस्ते, बैठो जी। आपकी तो बहुत तारीफ की है इन्होंने। तारीफ तो खैर क्या की होगी इसने, लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तलाश सही जगह के खत्म हुई है। जी आपको पता है? मुझे सब पता है। अमेरिका से आने के बाद इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ा। जी मैं वो नहीं, आप पर। नहीं पापा, दरअसल ये आप पर थीसिस लिखना चाहती हूं। आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, लेकिन थीसिस तो मुझ पर नहीं, अभय पर लिखोगी। He deserves it. और हो सकता है थीसिस लिखते लिखते तुम इसे समझा पाओ कि कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं। अब 50 साल पुराने कानून को बचाने के लिए उसे अपने हाथ में लेना पड़ता है। क्राइम को खत्म करने के लिए क्रिमिनल बनना जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्रिमिनल्स को उन्हीं के तरीके से खत्म किया जा सकता है। अपने जोश और होश को काबू रखने की कोशिश किया करो अभय। क्राइम और क्रिमिनल्स को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है। मेरा ही तरीका सही है। ओफो, मेहमान सामने है और आप लोग अपने बहस में। माँ, शुरुआत पापा ने की है। बस इनको तो बहाना ही चाहिए। देखा 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 कैसे माँ बेटा एक हो गए। क्या पापा, मैं तो आपका साथ देती हूँ ना। चलो तू भी तब साथ देती है जब कोई काम निकलवाना हो। अब संजना आ गई, ये मेरा साथ देगी। क्यों जी? क्या देखा भैया, ये आई है अमेरिका से और है एकदम अमेरिका की तरह, दोस्ती किसी और से और साथ किसी और का। वैसे तुमने अपने लिए हथकड़ी बहुत अच्छी चुनी है, अनाउंस करवा दूं? नो पापा, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मिनट एक मिनट। अरे संजना, यू लेट ना? अरे तेरे एक अपॉइंटमेंट थी ना, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। अरे बाय बाय। तुम एक ऐसा बुत हो जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के रखते। मुगले आजम, नाइस बट लिटिल आउटडेटेड। पुराना है? अब है, यू जस्ट हैव टू ट्राई अगेन। संजना, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ओके? तो मुझे किसी को अरेस्ट करने को कहो, कहीं रेड करने को कहो, लेकिन यू नो ये तारीफ करने को कहोगी ना, आई हैव नेवर। अब है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी, नहीं तो आज का प्रोग्राम कैंसिल। अरे पुलिस वाले को धमकी देती हो? हाँ दे रही हूँ तो। अरे रिलैक्स ना, वन मोर ट्राई। ओके ओके। अपनी आंखें देखी है? क्यों? जिधर भी देखती है एक रिश्ता कायम कर देती है। कभी कभी अमिताभ बच्चन। अब और ट्राई करने को मत कहना, ओके? मुझे सिर्फ 2 लाइन याद थी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लाइन है ये। एक ही लाइन में कितनी सारी बातें कह दी हैं। क्या कभी तुमने अपनी आंखें देखी है जिस तरफ देखती है एक रिश्ता कायम कर देती है? ये फोन सुना? जब भी बजता है ये मुटकी। एक मिनट। हेलो साहब, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ साहब। वर्सोवा विलेज के पास एक टेररिस्ट छुपा है। क्या? पुराने वाले बंगले के पास, तीसरी गली में साहब। इंफॉर्मेशन करेक्ट है? 100% पक्की है। वर्सोवा विलेज? हाँ साहब। ओके मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ अब है, किसका फोन था? मेरे मुखबिर का फोन था। वर्सोवा विलेज में एक टेररिस्ट छुपा है, इससे पहले कि वहाँ से निकल जाए मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम? हाँ मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग टेररिस्ट कैसे पकड़ते हो। संजना ये कोई देखने वाली चीज थोड़ी ना है, इट्स अ वेरी रिस्की ऑपरेशन। तो क्या हुआ, मैं डरने वाली लड़की थोड़ी हूँ, अगर तुम रिस्क ले सकती हो तो क्या मैं नहीं ले सकती? संजना देखो जिद मत करो। नहीं मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। प्लीज लेट मी गो। नहीं आई एम कमिंग, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन। ठीक है।
संजना खोलो संजना प्लीज आंखें खोलो कम ऑन नर्स हरी अप संजना कम ऑन एक्सक्यूज मी प्लीज वेट आउटसाइड I'll talk to the doctor. Maa, Sanjana ठीक हो जाएगी ना? हाँ? हाँ बेटे, Sanjana बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमिश्नर साहब आप? How's the girl? She'll be all right. जख्म ज़्यादा गहरा नहीं और मैंने गोली निकाल दी है। She'll be okay within few hours. Thank God. Thank you, doctor. It's our duty, sir. साहिबजादे, अब तो मुस्कुरा दो. पापा. She'll be fine. कुछ नहीं होगा उसे. सब ठीक हो जाएगा. सुषमा चलें? नहीं, मैं तो अभय के साथ रहूंगी. सुषमा, तुम्हारा अभय के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है अभय का संजना के साथ रहना. अपने दिन भूल गई क्या? आप भी ना कुछ भी बोल देते. अभय, अपना ख्याल रखना और संजना का भी ख्याल रखना. और भूलना मत कि दवाई टाइम पे और जूस ले आना और नारियल भी पिला देना और कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए तो हमें फोन कर देना. चलें? चलिए. टेक केयर. एक मिनट, एक मिनट. ऑफिसर, वेल डन. थैंक यू सर. द डिपार्टमेंट इज वेरी प्राउड ऑफ यू. Very proud of you. सर ये 6.5 एमएम 130 जीआर राउंड नोज जैकेटेड बुलेट रशियन में पिस्टल की है. आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग कर रहे हैं. इट्स एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट बुलेट सर. और दूसरा सर, ये बुलेट रिवॉल्व होती चली जाती है. आप लकी हैं कि ये बुलेट किसी चीज से टकराने के बाद संजना को लगी, अदरवाइज. सॉरी, मैंने तुम्हें लाने में देर कर दी, लेकिन आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो संजना, आज पहली बार मुझे डर लगा है, तुम्हें खो देने का डर, तुम्हारे बिना जीने का डर. I can't live without you. I love you, संजना.
मिस्टर राणा, वी आर वेरी सॉरी कि आपके यहां से चोरी हो गई। सॉरी मत कहिए कमिश्नर साहब, सोचिए सोचिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने तो सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं। अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद महेंद्र सिंह राणा के घर में चोरी हो सकती है तो आम लोग उनके साथ क्या नहीं हो सकता। फिर भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि यह हाल सिर्फ मुंबई का नहीं सारे देश का है। अगर आतंकवादी संसद में घुस सकते हैं तो मेरा घर कौन बचा सकता है। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं कि आप चोर को ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आपको चोरी का सामान मिल गया तो जैसे आप लोग करते हैं आपस में बांट लीजिएगा। एसीपी अभय प्रताप सिंह। यस सर। 24 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाना चाहिए और राणा साहब की एक एक चीज इनको वापस मिल जानी चाहिए। अब आप अपनी नाक बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्राइम के बाद क्रिमिनल्स को खोजने का सिस्टम ही गलत है। कोई तरकीब निकालिए जिससे चोरी होने से पहले आप चोरों को पकड़ सकें। पुलिस स्टेशन में वांटेड के बजाय सस्पेक्टेड की तस्वीरें लगी होनी चाहिए। खैर, देखते हैं। गुड लक। वाली बिल्डिंग में हो सकता है साहब, कसम से नहीं जानता साहब, नहीं जानता मैं। Oh!
बताऊं? चोरी का माल कहाँ छुपाया है? चोरी साहब, तो बता दूं। ये बुलेट तुम्हारी है? नहीं 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 साहब, ये सब मेरा नहीं साहब, मैंने तो छुपाने के लिए डाकी में डाल दिया था साहब। ये सब तो राणा साहब का है साहब, ये पैसा, ये जेवर, ये गोली, मैं सब भर देता हूँ साहब, सब भर देता हूँ साहब, वापस भर देता हूँ साहब। सर ये 6.5 एमएम 130 जीआर राउंड नोज जैकेटेड बुलेट, जैकेटेड रशियन मेड पिस्टल, रशियन मेड पिस्टल की आजकल इस तरह की आजकल का यूज आजकल टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग कर रहे हैं। आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग। हाथ बहुत सदा हुआ है आपका, लगता है ये खेल अच्छा खेल लेते हैं आप। मैं हर खेल अच्छा खेल लेता हूं। बहुत यकीन है आपको अपने ऊपर? जो अपने ऊपर यकीन नहीं करते लोग उन पर यकीन नहीं करते। अब तुम बताओ, चोर के पास से जो बैग मिला है मिसिंग लिस्ट के मुताबिक उसमें जो जो था सब है, आप चेक कर लीजिए। मैं उस चोर के बारे में जानना चाहता हूं जिसने राणा के घर में घुसने की हिम्मत की। सामान के बारे में तो कह चुका हूं, आपस में बांट लेना। खैरात बांटने का इतना ही शौक है तो इस शहर में बहुत सारे अनाथालय हैं, पते मैं बता दूंगा। रहा सवाल चोर का, तो एक छोटा मोटा चोर था, मौका मिलते ही हाथ साफ कर गया। कभी कभी अपने ऊपर ज्यादा यकीन करने से अच्छा खिलाड़ी भी मात खा जाता है। आप सामान चेक कर लीजिए। पाचाल। यस सर। तुम्हारा तेवर देखकर लगता है कि बैग में सब कुछ मौजूद है। सच पूछिए तो एक आध चीज ज्यादा ही है जिसे आप लिखवाना भूल गए थे। बुलेट? जी हाँ, ये बुलेट बाकी चीजों के साथ मिली आपके बैग में। लीजिए और याद रखा कीजिए कि आपने कहा क्या रखा है। बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को कहां याद रखते हैं। वैसे ये बुलेट मेरी नहीं है, मुझे बुलेट की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएगी। वेल डन। थैंक यू। वैसे उस दिन की आपकी सलाह मुझे अच्छी लगी। पुलिस स्टेशन में वांटेड की नहीं सस्पेक्ट की फोटो होनी चाहिए। बहुत जल्द आपको मेरे पुलिस स्टेशन में एक ऐसी फोटो मिलेगी। इस बार चोरी से पहले मैं चोर को पकड़ूंगा। पंद्रह तारीख तक सारे लड़के शहर में आ जाएंगे, इसके बाद उन्हें बाकी शहरों में भेजने का इंतजाम आपको करना होगा। लेकिन राणा साहब, हर स्टेट के बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बात की फिक्र मत करो, मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। गुड लक। राणा साहब, एसीपी अभय प्रताप सिंह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब तक वो अनजाने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। सर, हमारे सबसे काबिल आदमी असलम को भी उसी ने मारा था। उसके होते हुए हम अपना ऑपरेशन सारे जहां से अच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे सर। और अब तो उसे आप पर शक भी हो गया है, रिस्क लेना ठीक नहीं है सर। मेरा मतलब है कि एरोली ब्रिज वाला माल इसी अभय ने पकड़ा था, आइस फैक्ट्री पर रेड भी इसी ने डाली थी, और इसी एसीपी ने वाहिद खान को भी मारा था। सर, हमने उसके बारे में सारे डिटेल्स जान लिए हैं। कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह का बेटा है, ऑनेस्ट तो है ही, पर काफी जिद्दी, मूडी और सन की ऑफिसर है। मुजरिम के ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद उसका सिर्फ एक ही उसूल है, नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। तेवर तीखे हैं, लेकिन तनी हुई गर्दन और तने हुए सीने को झुकाने का मजा ही कुछ और है। राणा साहब,
हमारा कोई भी बढ़ता हुआ कदम उसके शक को और बढ़ा सकता है। पर ये मत भूलो कि लोग जहाँ पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूँ। तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए आपको, ये अचानक पुलिस वालों पर भरोसा कैसे हो गया आपको? उस दिन तो पुलिस वालों की कैपेबिलिटीज और कैरेक्टर पर बहुत सारे सवालिया निशान लगाए थे आपने। जी हाँ, पहले मैं सोचता था कि पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा सकते, लेकिन एसीपी अभय प्रताप सिंह ने मेरी राय बदल दी है। उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, उनकी तेजी, उनका जुनून, उनका जोश तारीफ के काबिल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप उन्हें दें, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय हमारे डिपार्टमेंट के चंद काबिल ऑफिसर्स में से एक है, और ऐसे ऑफिसर्स को हम आमतौर पर इस तरह की ड्यूटी पर नहीं लगाया करते, लेकिन क्योंकि उसने आपकी राय बदल दी है इसलिए उसी को मैं आपके साथ रखूंगा। बैठिए, अभय को भेजना। अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का भी पता चल जाएगा। मैं कम इन सर। कम इन। यस सर। अभय, राणा साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वैसे अभी इन्होंने मुझे पूरी तरह जाना ही कहा है। जानने पहचानने का सिलसिला शुरू करने के लिए ही तो मैंने कमिश्नर साहब से आपके लिए खास दरख्वास्त की है। हाँ अभय, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कल से तुम इनके साथ रहोगे। कल से क्यों सर, आज से बल्कि अभी से मैं इनके साथ रहता हूँ। वैसे भी ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए सर। आइए। गुड। थैंक यू कमिश्नर। ओके मिस्टर राणा, गुड लक। नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। अच्छा सिद्धांत है, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। मुझे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे अच्छे नहीं लगते, उन्हें काबू करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, सिर्फ एक बॉडीगार्ड। इस बात को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए राणा साहब, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। आप सही कह रहे हैं, अब मैं सिर्फ आप पे नजर रखूंगा, सिर्फ आप पे। चौधरी आओ, डरो मत, ये हमारा ही आदमी है, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इन्हीं के ऊपर है। वैसे भी ज्यादातर पुलिस वाले बड़े लोगों के बॉडीगार्ड ही होते हैं। यूं तो ये सिर्फ 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब तो सारी जिंदगी मेरा बॉडीगार्ड बनकर ही रहना पड़ेगा। आओ चौधरी आओ। ACP अभय प्रताप सिंह, सरकारी नौकरी करते हो तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, मन से काम करोगे तो मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा, जैसे मैं अपने सारे वॉचमैन को देता हूं। और हां, अगर हमारी मीटिंग रात भर चलती रही तो तुम रात भर इसी तरह खड़े रहोगे। होशियार, वेरी गुड। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी राणा साहब। आपने तो सचमुच उसे वॉचमैन ही बना दिया। देखते रहो उसे क्या क्या बनाता हूँ। थैंक यू राणा साहब। इस देश का कमाल का कानून है, हम जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ही देखिए राणा साहब, 5-6 मर्डर करने के बावजूद भी इज्जत की जिंदगी जी रहा। हम उसके साथ जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। चीयर्स। चीयर्स।
राणा साहब ये बात उस लड़के को बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। हम उसके साथ जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीगार्ड, तू इसके साथ है इसका मतलब तू भी एक मुजरिम है, और कानून को गाली देकर तूने अपनी मौत जस्टिफाई भी कर दी है। तुमने इसे मार डाला? हाँ, मार दिया। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरा जवाब होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मारने की कोशिश की, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ा। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। अपने जवाब में मुझे सिर्फ इतना और जोड़ना होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मार दिया और जवाबी कार्रवाई में मैंने इसे मार दिया। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक तू मेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसी तरह एक एक करके तेरे सारे आदमियों को मारता रहूंगा तेरी आंखों के सामने। क्या कहा था तुमने राणा, जिंदगी भर अपना बॉडीगार्ड बना के रखोगे? मैं तैयार हूं, तुम सोच लो, क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं तुम वहां से सोचना शुरू करते हो ना। आइए 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 राणा साहब आइए। नमस्कार। बहुत लकी हैं आप, आपने ठीक समय पर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वरना वेल डन अभय। थैंक यू सर। बैठिए। मैंने आपसे कहा था ना राणा साहब कि अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का पता चलेगा। लगता है सर राणा साहब बहुत डर गए हैं। अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद डरना नेचुरल है सर, क्यों राणा साहब? हाँ नहीं वो एक्चुअली अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है, नाउ यू कैन रिलैक्स। वैसे वो था कौन? वो पता नहीं अचानक मेरे कमरे में घुस गया और रिवॉल्वर तान ली सर। मैं जरा सा चूक गया होता तो इनका खेल खत्म था, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपके खेल को खत्म नहीं होने दूंगा। आपको किसी पे डाउट है राणा साहब? दरअसल कमिश्नर साहब बात यह है कि अरे रुक क्यों गए, बोलिए ना राणा साहब बोलिए। हाँ हाँ बताइए। मैं आपसे यह कहने आया था कि मुझे अब पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। What? ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? आप तो मुझे अपने साथ जिंदगी भर रखने वाले थे, और आपने ये भी कहा था कि मैं मन लगा के काम करूंगा तो आप मुझे बख्शीश भी देंगे, लेकिन आप तो मुझे हटा रहे हैं राणा साहब। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने की वजह से ही मुझ पर हमला हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई पुलिस अफसर रहे। आप ये प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। देखिए हमला दोबारा भी हो सकता है। मैं होशियार रहूंगा, बट आई डोंट वांट एनी पुलिस प्रोटेक्शन। जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है, इट्स योर लाइफ। थैंक्स कमिश्नर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू राणा साहब। मैं आपसे दूर रहकर भी आपके पास रहूंगा, डोंट वरी। देखा संजना, राणा को सीधा कर दिया, क्या दिमाग है मेरे पास।
सिर्फ दिमागी है या दिल भी है? क्या बात कर रही हो, चीर के दिखाओ क्या? पुलिस ऑफिसर हो ना, हमेशा चीरफाड़ की बातें करोगे। अरे कभी तो रोमांटिक बातें करो, कॉम्प्लीमेंट मी, प्रेज मी। ओके ओके ओके, समझ लो कि रोमांटिक हो गया। ब्यूटीफुल, क्या बाल है, क्या चाल है। हाय हाय हाय, आई एम अभय, प्लीज टू मीट यू। आपका नाम? संजना। संजना, दैट्स माय नेम। कमाल हो गया, संजना संजना। आई एम सॉरी, आई नो दिस संजना, आई डोंट नो यू। हैव टू गो, बाय। रैट, स्टूपिड। मोड़ दे हट मेरा पीछा, छोड़ दे मैनू प्यार नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जो खत मैंने तेरे नाम कभी वो दे जा सनम, लगी है दिल पे जो तस्वीर तेरी वो ले जा सनम। मैं तुझे भूल जाऊं, तुम मुझे भूल जाना, ना मुझे याद करना, ना मुझे याद आना, अच्छा ना होगा वरना, ना होगा वरना, ना 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 ना। न सोचना कभी कि तेरे पीछे पीछे मैं आने लगा, ये गया ले मैं चला गया, मैं जाने लगा। निकाहों को चुरा के, यूं बाहों को छुड़ा के, तू जानता रहा है, मगर घर जाके आहे न यार भरना, न आहे भरना, आहे न भरना, नहीं करना, नहीं करना। मेरा दिल तू वापस मोड़ दे, हट मेरा पीछा, छोड़ दे मैनू प्यार नहीं करना, नहीं करना। तुझको मनाऊं नहीं है ये जरूरी, मगर क्या करूं मैं, है थोड़ी मजबूरी, तेरे साथ जीना मरना है, जीना मरना है, जीना मरना। तू भी कहना छोड़ दे मैनू प्यार नहीं करना, नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। साहब आइए आइए।
अरे राणा साहब, राणा साहब, आइए आइए आइए, क्या बात है? थैंक यू। क्या तकदीर पाई आपने सर, हर तरफ आपके चर्चे हो रहे हैं, आपने तो मौत को भी हरा दिया। इन्होंने नहीं सर, उस पुलिस वाले ने, अगर वो नहीं होता ना तो आज हम राणा साहब के बचने की खुशी में नहीं, मरने के गम में पी रहे हैं। सो तो है। राणा साहब जरा डिटेल में बताइए, बड़ा मजा आएगा। आप घर पर अकेले थे, रात थी, फिर बादल, बिजली, बरसात, फिर अरे पाठक साहब छोड़ो इन बातों को, जो हो गया सो हो गया, हैं? छोड़ो छोड़ो, आइए आइए राणा साहब, कौन है ये एसीपी, क्या नाम है उसका, कहो तो उसका प्रमोशन करवा दे। अगाशे, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अब किस बात का प्रॉब्लम है राणा साहब, व्हाट्स द प्रॉब्लम, टेंशन किस बात का है? आप कहें तो पूरी पुलिस फोर्स को आपकी सिक्योरिटी पे लगा दूं। अरे होम मिनिस्टर हूं मैं, होम मिनिस्टर शरद चंद्र अगाशे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन राणा साहब मुझे डिटेल में बताइए कि हुआ क्या है, जरा डिटेल में बताइए, रात थी, बरसात थी। पाठक साहब, पाठक साहब, आपका ड्रिंक खत्म हो गया, आप ड्रिंक लीजिए, आइए आइए, ड्रिंक लीजिए पाठक साहब। राणा साहब कहिए क्या बात है? तुम होम मिनिस्टर हो ना? अभी तक तो हूँ, और आपकी कृपा रही तो बना ही रहूंगा। तो फिर इस एसीपी का ट्रांसफर कर दो। एसीपी? वही एसीपी जिसने तुम्हारी जान बचाई? उसने मेरी जान नहीं बचाई, उसने मेरे आदमी को मार डाला। तुम्हारा आदमी? जिसे उसने मारा वो तुम्हारा आदमी था? हाँ हाँ, ये सब बातें बाद में समझाऊंगा, इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कल से वो एसीपी इस शहर में नहीं दिखना चाहिए। राणा साहब ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, होम मिनिस्टर हो ना तुम। लेकिन पब्लिक की नजर में उसने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैं उसका ट्रांसफर करवा देता हूँ तो हंगामा मच जाएगा। नहीं 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 राणा साहब, तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी, और वैसे भी सबको पता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती है। इसके अलावा वो पुलिस कमिश्नर का लड़का है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी राणा साहब, तुम भी फंसोगे और मैं भी। उस अकेले एसीपी का ट्रांसफर करोगे तो लोग बातें करेंगे, माना, पर अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इधर से उधर कर दो तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अफसरों को एक साथ ट्रांसफर करो, बस बात बन जाएगी। क्यों? जय हिंद साहब। जय हिंद, आइए आइए बैठिए। मिस्टर सिंह, हमने डिसाइड किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में टॉप से बॉटम तक काफी सारे ट्रांसफर किए जाएं सिटी लेवल पर। ये रही फाइल, किस ऑफिसर को कहां भेजना है उसकी पूरी लिस्ट इसमें है। सर आपने लिस्ट तैयार कर ली? जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त इतने मेजर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सिंह, किस वक्त किस चीज की जरूरत है ये सरकार अच्छी तरह जानती है। सर ट्रांसफर करने का डिसीजन कैबिनेट का है या आपका? मेरा ही समझ लीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी बरती है। देखो कमिश्नर, मेरा फैसला मानना तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं, तुम्हारी मजबूरी भी है। मुझे वर्दी पहनाते समय बताया गया था कि हम पुलिस वालों को सिर्फ उस किताब के सामने मजबूर होना चाहिए जिस पर भारतीय संविधान लिखा होता है। तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? नहीं सर, मैं उस फैसले को मानने से इनकार कर रहा हूं जो शहर की आम जनता को नुकसान पहुंचाएगा। कमिश्नर साहब, शायद आप ये भूल रहे कि गृह मंत्री की कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूं, शरद चंद्र अगाशे। शायद आप भी भूल रहे हैं सर कि मैं पुलिस कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह हूं, जिसे हर 5 साल बाद और कभी कभी उससे पहले भी इस कुर्सी पर बैठा एक नया चेहरा देखने की आदत सी पड़ गई। कमिश्नर चिल्लाइए मत सर, हम पुलिस वालों से ज्यादा ऊंची आवाज में आप नहीं चिल्ला सकते। मैं तुम्हारी पुलिस की वर्दी उतरवा सकता हूँ कमिश्नर। सर ये वर्दी आपके कैबिन में लगी कोई नेता की तस्वीर नहीं है, जिसे अपने फायदे के लिए आप जब चाहें उतार दें। वैसे अपने पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बदले में मैं खुद अपना त्याग पत्र देना ज्यादा पसंद करूंगा। माननीय श्री शरद चंद्र अगाशे जी, शाम तक मेरा त्याग पत्र पहुंच जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। बाबा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब भाई मैं कह चुका हूं, इसके बारे में मैं और बहस नहीं करना चाहता। What I did was absolutely right. कमिश्नर साहब, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये सब क्या है, ये नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? हम सभी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। What?
हम इस सरकार को और उसके मंत्रियों को बता देना चाहते हैं कि हम पुलिस वाले उसके नौकर नहीं है। हम सब और पूरा महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है सर। हाँ हाँ, आपके साथ है। आपके इंसल्ट हमारी इंसल्ट है सर। हाँ, हमारी इंसल्ट है। हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये ठीक नहीं है। आप सब पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार और मंत्रियों को भूल जाइए। हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। उस पब्लिक के बारे में सोचिए, उस पब्लिक का ख्याल कीजिए। आप सब अपनी अपनी ड्यूटीज पर लौट जाइए। प्लीज गो एंड जॉइन योर ड्यूटीज। ये मेरा ऑर्डर है। सॉरी सर, ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। हमने आज तक का आपकी हर बात मानी है, आगे भी हम आपकी हर बात मानते रहेंगे। मेरी बीबी को कैंसर है, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इस्तीफा दूंगा सर। आपके लिए ये नौकरी तो क्या, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे सर। लेकिन आज आपकी ये बात नहीं मानेंगे सर। सॉरी सर। जय हिंद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यार दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। जब तक कमिश्नर साहब का फैसला नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। देखा देखा आप लोगों ने, क्या हो रहा है? पूरे महाराष्ट्र के पुलिसमैन त्याग पत्र देने पर उतर आए हैं। पूरे स्टेट में अफरा तफरी मची हुई है। इमीडिएट इमीडिएट आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मेरी बात कराइए। जाइए जाइए। ये सर, सॉरी सर, मैं भी भेजता हूँ सर। देखा, दिल्ली से डांट पड़ रही थी। किसने कहा था कमिश्नर को ट्रांसफर करने के लिए? मुझे लगा कि उसका ट्रांसफर करना चाहिए था, सो मैंने किया। आखिर मैं भी होम मिनिस्टर हूँ। अरे यही तो दुर्भाग है कि आप होम मिनिस्टर हैं। कल से आप आदिवासी कल्याण मिनिस्टर हैं। वहाँ जाइए और जो जी चाहे कीजिए। क्या ये क्या कर रहे हैं सर? ये मेरा फैसला है। पांच पूते साहब, आप कमिश्नर साहब पास जाइए और माफी मांगिए सरकार की तरफ से, और कहिए कि कल से वो ड्यूटी ज्वाइन कर लें। तू इतना रुक जी, गाड़ी स्टार्ट करके रखना जी। अगर कोई भी लोचा हुआ तो मैं भाग कर आ जाऊंगा, समझा? गाड़ी स्टार्ट करके रखना। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोगों से निवेदन है कि मुझको कमिश्नर साहब से मिलने दीजिए, प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे हम काम मनमानी कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रकाश पाचपूते है सर, लेबर मिनिस्टर हूँ सर। सीएम साहब बहुत शर्मिंदा है सर, बहुत शर्मिंदा है। बोले तो आकाशे को पनिशमेंट भी दे दिया है, उसको कचरा मिनिस्ट्री में फेंक दिया है सर। आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। सीएम साहब ने खुद रिक्वेस्ट किया सर, वो तो खुद आने वाले थे, लेकिन वो बोले कि मैं किस मुंह से वहां जाऊंगा सर। आप कल से ज्वाइन कर लीजिए सर। आप कल से ज्वाइन कर रहे हैं ना सर, है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, कमिश्नर साहब कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और सरकार ने इनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह सर, पॉपुलैरिटी के मामले में तो आपने हम लीडर्स को भी पीछे छोड़ दिया। आप एक काम कीजिए, अगला इलेक्शन लड़ लीजिए सर, बस सीएम की कुर्सी पक्की है सर। ये कुर्सी का खेल आप लोगों को मुबारक हो, मुझे बस सिर्फ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करने दीजिए। तो मैं चलूं। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमिश्नर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमिश्नर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से पियो आकाशे, टेंशन मत लो, क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। तुम्हारी सोच ने ही तो मुझे बर्बाद कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने मुझे आदिवासी उत्थान मंत्रालय में भेज दिया है। क्या करूंगा मैं वहां उनके साथ, हुल्ले हुल्ले हुर्रे हुर्रे करूंगा? इस कमिश्नर को मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे
मंत्री जी, मैं जानता हूं आपने किसके कहने पे ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था। अगर मेरे पापा कमिश्नर नहीं रहते तो आप इस दुनिया में नहीं रहते। आप मंत्री हैं, ठीक से रहोगे तो सलूट करूंगा, ठीक से नहीं रहोगे तो शूट कर दूंगा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं, यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लेना, ये मेरा असूल जानते हैं। नो FIR, नो अरेस्ट, नो डॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। बड़ा मजा आया। बहुत देर के बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आपने जो प्लानिंग की है ना सर, उसे सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। सर, डायरेक्ट खत्म ही कर डालते हैं। इधर आओ। यस सर। दर्द हुआ? हाँ। मुझे भी हुआ, मेरा भी हाथ झंझना रहा है, थोड़ा सा सही लेकिन दर्द मुझे भी हुआ। इसलिए जहां तक हो सके दुश्मन के शरीर पर वार करने से बचना चाहिए। उसने मेरे खिलाफ दिमाग का इस्तेमाल किया है, अब मैं उसे बताऊंगा कि दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फैसला ऑन द स्पॉट करने की आदत है ना उसे। जॉन, बता दो इसे क्या करना है। Excuse me, sir. Sir, आप बताइए हमें।
उसे बीच सड़क इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उसने मुझे देखकर रिएक्ट किया फिर अचानक भागने लगा, मुझे यकीन हो गया कि वो कोई क्राइम करके आ रहा था। मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता वही करता जो मैंने किया है। तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर होता तो पहले उसे अरेस्ट करता, फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता और फिर उससे पूछताछ करता। तो आप मुझे महेंद्र सिंह राणा को अरेस्ट करने, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने और फिर पूछताछ करने की परमिशन देते हैं? किस बिना पर उसे अरेस्ट करने की सोच रहे हो तुम? उसके यहाँ से विदेशी रिवॉल्वर की बुलेट मिलना, उसी किस्म की बुलेट से संजना का घायल होना, फिर प्रोटेक्शन का बहाना बनाकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश, आखिर ये सब चीजें कुछ तो इंडिकेट करती है ना? इन सब बातों की इंक्वायरी हो रही है। डोंट गिव मी एनी मोर कॉल्स प्लीज। इंक्वायरी पूरी होने के बाद अगर ऐसा लगा कि राणा के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के। राणा जैसे आदमी पर हाथ डालने का मतलब जानते हो तुम? ऊपर तक जवाब देना होगा। यही तो प्रॉब्लम है, हमें जवाब देना पड़ता है, हर बात के लिए जवाब देना पड़ता है। क्राइम रेट अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन यही है। हमें नाम के लिए बंदूक तो दे दी गई है लेकिन उसे चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन क्रिमिनल्स को किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो बंदूक के दम पे लोगों को धमका सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं और मारते हैं। हमें कुछ करना हो तो जवाब देना पड़ता है। उन लोगों को जवाब देना पड़ता है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं, बल्कि हमें जवाब देना चाहिए हमारी पब्लिक को, जिसकी हिफाजत के लिए हमने ये वर्दी पहनी है और जिसका आहिस्ता आहिस्ता हम पर से भरोसा उठता जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें किसी को भी गोली मार देने की इजाजत दे दी जाए? कानून की जो सीमा है, कानून की जो मर्यादा है, उससे बाहर जाने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस दायरे से बाहर तुम्हारा बिहेवियर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई क्रांति नहीं ला सकता। अगर हर पुलिस ऑफिसर मेरी तरह बिहेव करने लगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में जरूर क्रांति आएगी। देश का कानून यूं ही रैंकता रहा तो देखना एक दिन ऐसा आएगा जब हर पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को मारेगा पहले, सोचेगा बाद में। बहुत हो गया, अब है, बहुत बोल चुके तुम। अब तक मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से समझाता रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कमिश्नर की हैसियत से वार्निंग दे रहा हूँ कि अब अगर तुमने कानून के दायरे के बाहर कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाउ यू कैन गो। यस सर। मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सबूत चाहिए। आज पापा मेरी बात नहीं मान रहे ना, देख लेना एक दिन उन्हें मेरी बात जरूर समझ में आएगी। मैं सबूत के बिना पर बैठा नहीं रहूंगा, चाहे मुझे उसके खिलाफ प्रूफ मिले या ना मिले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र सिंह राणा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संजना अभय, जरा ये बांधो ना प्लीज। हेलो, बात पक्की है? पक्की है साहब। ओके, मैं आ रहा हूँ। अरे सुनो। हाँ। जफरदारी यहाँ रहता है? हाँ यही रहता है साहब, कल उसने बाहर में दारू बहुत पी लिया और लफड़ा फड़ा किया, उसको अंधेरी चौकी वाले उठा के ले गए। इंस्पेक्टर तिवारी। अरे शेर सिंह जी, आपका बात कभी टाला है हमने? लेकिन आज का काम थोड़ा टेढ़ा है, ठीक से होना चाहिए। यस सर।
अभय और जफर दाढ़ी। आप चिंता मत कीजिए सर, तिवारी उससे नहीं मिल पाएगा। तिवारी, तुमने जफर दाढ़ी को अरेस्ट किया है? हाँ, कल रात को ही किया सर। आप चाय पीजिए, मुझे पूछताछ करनी है। पूछताछ हमने कर लिया है सर। साला बियर बार में दारू पी के बोमा बोम कर रहा था, सेक्शन 75 में बुक करके पक्का केस बनाया हूँ सर। चाय पीजिए ना सर। तिवारी, वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, उसके लिंक्स टेररिस्ट के साथ हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है सर। ए चमक छल्लो, इधर आ। बता सर को, कल रात को वो तेरे को ही छेड़ रहा था ना? हाँ सर, मैंने ही एफआईआर लिखाया। देखा सर, जा उधर बैठ। तिवारी, तुम जानबूझ के उसको बचाने के लिए? मुझे उससे पूछताछ करनी है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूछताछ तो मैं उससे नहीं करने दूंगा सर। चाय पी लीजिए। तिवारी, ओपन द लॉकअप। देखिए सर, आप तो तिवारी! सर चाय सर। चाय पियोगे? बता दो, बता दो, मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के फंक्शन में ठीक 5 बजे एम रो के 8 नंबर की सीट पर लाल कोट पहना हुआ अब निकली करेगा। किसकी? किसकी? कमिश्नर साहब। शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे यहां बुलाकर इतना सम्मान दिया। आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर है कि आप सब वकील बनना चाहेंगे, तो एक वकीलों के फंक्शन में एक पुलिस वाले का चीफ गेस्ट बनना बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुलिस वालों और वकीलों में 36 का आंकड़ा होता है। हम पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर एक मुजरिम को पकड़ते हैं और एक वकील एक कागज का टुकड़ा दिखाकर उसे छुड़ा ले जाता है। सच मानिए, उस समय बहुत गुस्सा आता है और जी चाहता है कि सब वकीलों को पकड़कर जेल में डाल दूं। खैर खैर, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि वकीलों और पुलिस वालों का रिश्ता इंप्रूव किया जा सकता है। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, और जिस दिन ऐसा हो गया इस देश का क्राइम रेट। अरे एसी पे अबे आए हैं यहाँ पे? हाँ अबे भी आए हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे बोले पकड़ लीजिए, खराब हो जाए। सर बाहर अभय पुलिस वालों से लड़ रहा है। अभय सर, सर वो आपको मारने आया था। शट अप। बोलो तिवारी। सर हमने साहब को बताया था सर कि हमने पूछताछ कर लिया है, लेकिन फिर भी साहब ने हमको बहुत मारा सर। देख लीजिए सर, हम अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं सर, हमने इनको पलट कर जवाब तक नहीं दिया सर। ये हमें मारते रहे और हम इन्हें चाय ऑफर करते रहे सर कि सर चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। सर सर मैंने भी इनसे माफी मांगा था। मैंने साहब को बोला कि आज के बाद मैं कभी भी बियर बार में नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक बोला कि दारू पीना भी छोड़ दूंगा, फिर भी साहब जब हमें मारते रहे, कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। इनके सर पे तो खून सवर गया था। ये मुझे मारते सर, किसी ने बताया कि कॉलेज में आप पर शट अप। एसीपी अभय प्रताप सिंह, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर
और एक पुलिस अफसर को बिना वजह मारने के आरोप में तुम्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम रोज यहां शाम को आकर अपने पूरे दिन की एक्टिविटी की रिपोर्ट लिखोगे और डेट और टाइम के साथ साइन करोगे। बचपन में इसी अभय के प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप आंख बंद करके साइन करते थे। मैं कहा करती थी कि एक बार देख तो लिया करो अभय ठीक कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप कहते थे नहीं, मेरा अभय गलत कर ही नहीं सकता, है ना? और आज आपका वही बेटा आपको गलत लगने लगा है कि उसको मुजरिमों की तरह अपने ऑफिस में बुलाकर उसे साइन करने को कह रहे हो? आखिर क्यों? रहने दो माँ, इनसे अब कोई सवाल करना बेकार है। जिन्हें अपने बेटे पे यकीन था वो बाप बहुत पीछे छूट गया माँ। इन्हें हर बात में सबूत चाहिए क्योंकि अब ये सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर है, एक ऐसे कमिश्नर जिन्होंने अपनी आंखों पर कानून की पट्टी बांध ली है और वो देख नहीं पा रहे कि जाने अनजाने में वो क्रिमिनल्स की हेल्प कर रहे हैं। अभय, सॉरी सर, अभी आप इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही था। तुम तब तक आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। सुषमा, अपने बेटे को समझाओ, अगर वो इसी तरह जिद करता रहा और कानून को अपने हाथों में लेता रहा तो यकीन जान लो हम अपना बेटा खो देंगे, खो देंगे हम इसे। हेलो साहब, मैं मुन्ना। जो आदमी कमिश्नर साहब को उड़ाने को गया था वो अभी टोपास बार में आने वाला है, आपको उससे सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हाँ, संभल कर, मैं रखता हूँ। साहब मैंने आपका काम कर दिया। साहब आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही बोल दिया। अब मैं जाऊँ? साहब काम किया है तो इनाम तो लेते जाओ। जॉन,
मैं कैसीनो के पीछे सर जी वो आ रहा है सर जी बोलिए मैं क्या करूं भागो सर जी वो मुझे पकड़ लेगा सर जी बोलिए मैं क्या करूं भागते रहो सर जी वो मेरे पीछे आ रहा बताइए क्या करूं टेक अ लेफ्ट टर्न अच्छा सर जी वो अभी भी मेरे पीछे सर जी बोलिए मैं क्या करूं टेक अ राइट टर्न ओके सर हट जाओ हट जाओ सर जी बोलिए मैं क्या करूं सर जी भागते रहो सर जी अभी भी वो पीछे सर जी बताइए मैं क्या करूं सर जी भागते रहो आई सेड स्टॉप सर जी वो मार देगा मुझे आई सेड स्टॉप वरना गोली मार दूंगा अपने गन निकालिए मैं क्या करूं सर जी बोलिए वो तुम्हें लोगों के सामने नहीं मारेगा आई सेड स्टॉप सर जी मार देगा मुझे नहीं मारेगा सर जी मार देगा बैठो आई सेड स्टॉप महेंद्र सिंह राणा जेल की सलाखों के पीछे अच्छे नहीं लगते हो लेकिन क्या किया जाए तुम्हारा बाप कुछ भी समझने को तैयार नहीं नहीं समझता कि जमाना बदल गया है आजकल बड़े लोग ही बुरे होते हैं अमीर लोग ही बिकते हैं चाहे क्रिकेटर हो या पॉलिटिशियन हीरे का व्यापारी या मुझ जैसा बिजनेसमैन सब क्रिमिनल्स हैं तुमने सही समझा लेकिन समझना और समझाना अलग अलग चीजें हैं तुमने मुझे समझा लेकिन तुम अपने बाप को नहीं समझा सके तुम्हारे और मेरे बीच जो खेल चल रहा था उसमें तीन बार मैंने तुम्हें मात दी और तुम्हें लगता रहा कि तुम बाजी जीत रहे हो जिसे तुमने रोड पर मारा उसे मैंने वहां भेजा था जिसे तुम लॉकअप में मारने गए थे उसे मैंने वहां पहुंचवाया था और जिसे तुमने जान से मार डाला उसे भी मैंने सही वक्त पर बैठने को कहा था ताकि तुम्हारी गोली उसके घुटने के बजाय उसके सीने से पार हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राणा नहीं छोड़ूंगा आज के लिए हालात बदल गए तेवर नहीं बदला यह है फैसला ऑन द स्पॉट का नतीजा शायद तुम भूल गए हो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं
राणा वहां से सोचना शुरू करता है। अबे बेकसूर है, आप ही सोचिए, कोई आके मुझसे कहे कि मेरा हस्बैंड मर्डरर है, क्या मैं मान लूंगी? नहीं ना, ऐसे अबे के साथ हुआ है। आप ही सोचिए कि बिना कोई वजह अबे किसी की जान ले सकता है। प्लीज उसे बचा लीजिए, आप अदालत में जाकर बयान दे दीजिए कि अबे बिल्कुल बेकसूर है। प्लीज प्लीज प्लीज, याद है 26 साल पहले आपने मुझसे बेटा मांगा था, आज मैं आपसे वही बेटा वापस मांग रही हूँ। प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए, मेरा बेटा लौटा दीजिए, प्लीज मेरा बेटा लौटा दीजिए, प्लीज बचा लीजिए मेरा बेटा। मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जब वो छूट कर आएगा उससे इस्तीफे पर तुम साइन करोगे। मैं अब कभी उसे पुलिस की वर्दी में नहीं देखना चाहता, वादा करो, वादा करो। साहब, एसीपी अभय प्रताप सिंह को उस क्रिमिनल के पीछे भेजने से पहले मैंने उसका सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया था, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद पता चला कि इन्होंने जो भी किया था सही किया था। एसीपी अभय ने जब उस क्रिमिनल को सरेंडर होने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जवाब में इन्होंने गोली चलाई और वो मारा गया। I love you, Papa. I love you. What? क्या हुआ सर? अदालत ने एसीपी अभय प्रताप को रिहा कर दिया है। तो कर्नल कृष्णकांत को मारना, मेरा मतलब हमारा ऑपरेशन सारे जहां से अच्छा होगा और प्लान के मुताबिक होगा। जब तक ये ऑपरेशन खत्म न हो बाकी सारे काम बंद कर दो। एसीपी अभय प्रताप को कोई सुराग न मिले। संजना, oh, संजना, I'm so happy. मैं आज बहुत खुश हूँ संजना, I'm so happy. देखो, देखो, कैसा लग रहा हूँ मैं, हाँ? कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आज पहली दफा वर्दी पहनी है। संजना, तुम नहीं समझोगी, और मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊँगा। But you know, जब मैं वर्दी पहनता हूँ ना, एक अजीब सा जोश भर जाता है। संजना, एक पुलिस ऑफिसर के लिए उसकी वर्दी उसकी जान होती है, उसका सब कुछ होता है। अब देखना संजना, मैं किस तरह राणा को अपनी गिरफ्त में लेता हूं। कम ऑन, गेट अवे, ले जाओ उसे, ले जाओ। आ गए आप? आज मैंने आपके लिए खास खाना बनाया है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। सुषमा, जाने दीजिए ना प्लीज, आज अभय बहुत खुश है। प्लीज सुषमा, तुमने वादा किया था। हाँ मुझे याद है, मैं बात करूंगी अभय से, उसे सब समझा दूंगी, आज से वो आपकी हर बात मानेगा। आपको पता नहीं वो इस वर्दी में कितना खुश है। सुषमा, मैंने कहा था ना कि अब मैं कभी उसे पुलिस की यूनिफॉर्म में देखना नहीं चाहता। जाओ अपना वादा पूरा करो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आप भी जानते कि बचपन से लेके आज तक अभय इसी वर्दी के साथ बड़ा हुआ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उसके लिए वर्दी वैसी जैसे करण के लिए कवच और कुंडल था, वो इस वर्दी के बिना जी नहीं पाएगा। और वर्दी पहनकर दूसरों को जीने नहीं देगा, जब मन करेगा किसी के हाथ पैर तोड़ देगा, जब जी चाहेगा किसी की जान ले लेगा। अब वो पूरी तरह एक क्रिमिनल बन गया है, और एक क्रिमिनल को वर्दी पहनने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। सुषमा, तुम्हारी बात मानकर जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है मैंने, भरी अदालत में सबके सामने झूठ बोला है मैंने। अब मैं अपनी नजरों में
और नीचे नहीं गिर सकता। जाओ जाके साइन कराओ। आपको साइन चाहिए पापा? माँ को बीच में आने की क्या जरूरत है, मुझसे बात कीजिए। भैया प्लीज। डोंट वरी अनु, आज मैं पापा के साथ नहीं झगड़ूंगा। आज पहली बार तो पापा ने मुझसे कुछ मांगा है। पापा मांगते तो मैं जान भी दे देता। साइन तो बहुत छोटी चीज है, मुझे लगा था कि आप मुझे समझ गए हैं, लेकिन नहीं। आप मुझे इस वर्दी में नहीं देखना चाहते ना? ठीक है, मैं इस वर्दी को कभी नहीं पहनूंगा। बताइए कहां साइन करना है। साइन करो। अपने डिपार्टमेंट की चिंता है और तुम्हें अपनी ड्यूटी की। किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना पति, अपना बेटा और अपना घर चाहिए। मुझे अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। वर्दी पहनकर दूसरों को जीने नहीं देगा। जब मन करेगा किसी के हाथ पैर तोड़ देगा, जब जी चाहेगा किसी की जान ले लेगा। अब वो पूरी तरह क्रिमिनल बन गया और एक क्रिमिनल को वर्दी पहनने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। इतना तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? अपने बारे में सोचता नहीं, हमारे बारे में तो सोचा कर। तू जानता नहीं कितना प्यार करते हम तुझसे। बेवकूफ लड़का, गॉड प्लीज हेल्प, भगवान बचा ले, से बचा ले प्लीज। बेटे ये जरा रख लेना। हाँ थैंक यू, ये लो बेटे। घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाएगा? क्यों? अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी आराम की जरूरत है। और आराम करने के लिए घर से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। अभय, एक बात कहूं, तेरे बिना घर घर नहीं लगता। चलो उठ। नहीं माँ, पापा मुझे सचमुच एक क्रिमिनल, एक गुंडा समझते हैं। जिन आंखों में बचपन से मैं अपने लिए प्यार देखता है उनमें अब मुझे साबित करना है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। और अगर मैं ये नहीं कर सका तो मैं घर कभी नहीं आऊंगा। मां
इसे किसी की परवाह नहीं, कोई जिए या मरे। What does he think of himself? हम जीलेंगे, जीलेंगे हम। संजना तुम्हें क्या लगता है, मैं मम्मी पापा से अलग रहकर खुश हूं, खुश रह सकता हूं? राणा ने बड़ी चालाकी से मुझे और मेरे परिवार को अपना निशाना बनाया है। उसने मेरे और पापा के बीच दीवार खड़ी कर दी है संजना, और जब तक ये दीवार है मैं पापा से नहीं मिल सकता। और अब तुम मां, चलो अब है कुछ और बात करते हैं। नहीं संजना, अब मुझे राणा को पापा की नजरों में मुजरिम साबित करना ही है। लेकिन कैसे? नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं सच के साथ हूं और सच ही कोई राह निकालेगा। देवरायन, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम भी बड़ा बन सवर करके बड़ी जच रही हो। अरे 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 छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? देखिए तो सही कौन बैठा है। चाय पियोगे तिवारी? जी नहीं, नहीं आप। मुझे लगा उस दिन थाने में तुम्हारी चाय ना पीकर मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए चला आया। ठीक किया ना? अरे क्या भाई साहब, अब इसमें बेटी वाली क्या बात है, ये तो आप ही का घर है। क्यों जी? हाँ आप ही का घर है सर, जब मर्जी हो चले आइए। तो फिर ठीक है, आप दोनों लोग बतियाइए, हम चाय लेकर आते हैं। रुकिए भाभी, इन्हें चाय पीने से ज्यादा चाय पिलाने में मजा आता है। तो ठीक है ना, फिर हम यहीं आपके पास बैठकर बतियाते हैं। अरे नहीं भाई, हम कह रहे हैं हमें तलब लगी है ना, जाकर के चाय बना के लाओ ना। तो जा रहे हैं ना, आप धक्का काहे दे रहे हैं हमको? धक्का नहीं दे रहे भाई, कह रहे हैं हमको तलब लगी है, जाओ ना भाई। ठीक है। तिवारी, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना नौकरी और ना परिवार। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो कुछ पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे। बोलो, तुम उनके लिए मरना चाहोगे या मेरा साथ देकर अपनी नौकरी बीवी बच्चों के लिए जीना? अरे यार, तुम्हारा हिसाब किताब तो हो गया था, तुम यहाँ क्यों आए हो? आया कहाँ हूँ सर, लाया गया हूँ, पिताजी लेके आए हैं। पिताजी? हाँ। तुम महेंद्र सिंह राणा के साथी और उसके बारे में क्या जानते हो? मैं राणा को नहीं जानता, वो कभी कभार पार्टियों में हम लोग भी राणा के लिए काम करता है ना? बोल, बता राणा क्या क्या गलत काम कर रहा है, क्या इरादा है उसका, क्या प्लानिंग है तुम्हारे आगे की? बोल, बता, बोल। बताता हूँ, आज ही वॉर मेमोरियल फंक्शन में कर्नल कृष्णकांत को मारने का प्लान है। हाँ तो सुनो। यस सर। गेट नंबर 5 पर इंस्पेक्टर धावे, तुम जाओ और दामोदर 7 नंबर पे जाओ। हेलो, कमिश्नर साहब को फोन दो। भैया कैसे हैं आप? अनु जल्दी बात करो, इट्स वेरी अर्जेंट। देती हूँ, पता नहीं आप दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा। पापा, भैया। सर मैं एक्स एसीपी अभय प्रताप बोल रहा हूँ।
मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली कि आज के फंक्शन में राणा और उसके आदमी ने कर्नल कृष्णकांत को मारने का प्लान बनाया है। सर प्लीज बी केयरफुल, इंफॉर्मेशन एकदम सही है सर, मेरा यकीन कीजिए। हेलो 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 सर, जाओ तुम लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। पापा को अभी मुझ पर यकीन नहीं है। चौताला। यस सर। सर सुनो, एक बार दोबारा पूरी सिक्योरिटी चेक करो। सर जस्ट टू बी श्योर, फुल प्रूफ प्लान के मुताबिक हेलीपैड पर स्पेशल माइंस बिछा दी गई है। स्पीच करने के बाद कर्नल कृष्णकांत वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठेगा और जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा माइंस फट जाएंगे और कारगिल जंग का हीरो कर्नल कृष्णकांत बगैर लड़ाई शहीद हो जाएगा। मौत के रास्ते पर कर्नल कृष्णकांत का पहला कदम। Hi sir, pleasure to meet you. Thank you. Hi, please sir. Namaste. करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। यही जज्बा कारगिल में हमारे जवानों की रगों में लहू के साथ दौड़ रहा था। दुश्मन ने धोखे से हमारी पीठ पर वार किया, फिर भी हमने उन्हें बता दिया कि तुम जब भी आओगे हमारे हाथों पिट कर ही जाओगे। पता था कि सरहद पर शहीद होने वाला किस धर्म का है, किस जाति का है, हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन हर शहीद की याद में पूरा देश रोया। वो आंसू हमारी सच्ची एकता का सबूत है। तरह बनाई रखी हमारी तरफ बुरी नजर से उठेगी, निकाल ली जाएगी। जो भी हाथ हमारे तिरंगे की तरफ बढ़ेगा काट दिया जाएगा। जय हिंद। For the helicopter to take off. Come on.
आप चलिए। बता कमिश्नर साहब को। सारे के सारे माइंस हमने बिछाई थी और इस काम में महेंद्र सिंह राणा हमारी मदद करता है। गिरफ्तार कर लो सर। मिल गया सबूत, लेकिन अब भी मुझे आपका फैसला मालूम है। आप राणा को अरेस्ट करेंगे, मुकदमा चलेगा, गवाह खरीदे और बेचे जाएंगे और आखिर में राणा निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। हमेशा सुनता आया हूं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन नहीं, कानून के हाथ अब बहुत छोटे हो चुके हैं। राणा जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कानून को बदलना पड़ेगा, उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उस दायरे में रहकर भी अपनी ड्यूटी निभा सके। लेकिन अब है पहले आजादी पाने के लिए हमने कई जानें दी और अब इस आजादी को बचाने के लिए हमें कुछ गलत लोगों की जानें लेनी पड़ेंगी।